इन विच मैनेजीरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर टू बी डन, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे वो फ्रेमवर्क डिसाइड करना, दैट इज अ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप्स है, विच मे बी फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. ये फ्रेमवर्क जो हमने डिसाइड किया है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं और ये बेसिकली आपका क्या हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर, आप कोई भी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस और इन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो. तो स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट किया जाता है, इट विल वेरी विद द नेचर एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की टाइप्स क्या है, उससे बहुत डिटर्मिन होते हैं. अगर हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब जब आप ग्रुपिंग ऑफ जॉब कर रहे हो, और ग्रुपिंग अगर आप कर रहे हो जॉब के अकॉर्डिंग टू द सिमिलर नेचर अंडर द फंक्शनल हेड्स, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस आप कर रहे हो, जैसे परचेज का फंक्शन परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सारे फंक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और उसके बाद अगर मैं फाइनेंस के रिलेटेड सारे फंक्शन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंटर कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं किस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रही हूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर को. जब आप फंक्शन के बेसिस पे, जैसे सेल के फंक्शन सेल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस के फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के फंक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और प्रोडक्शन के रिलेटेड सारा कुछ प्रोडक्शन में हो गया, और अगर मैं बात करती हूँ परचेज के रिलेटेड सारा कुछ परचेज में हो गया, तो उस टाइम पे मैंने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, दैट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, जितने भी डिपार्टमेंट है वो अपने किसको रिपोर्ट करते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करते हैं. दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग हेड, मैनेजिंग डायरेक्टर. ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज को टैकल करता है वो डिपार्टमेंट होता है. एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट यानी उन्हें सर्च करना, उन्हें जॉब पे रखना, उन्हें सेटिस्फाई रखना, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो सेल के ऊपर फोकस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे फंक्शंस किसको रिपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे, एक पर्सन को जाके रिपोर्ट करेंगे, सो दैट इट बिकम वेरी इजी टू मैनेज द बिजनेस. हर कोई अपने अपने फंक्शन पे फोकस करेगा, और सबके ऊपर कौन फंक्शन करेगा, सबके ऊपर कौन फोकस करेगा, ये कोऑर्डिनेटिंग हेड सबको मिला के चलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें वर्क को डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन का अलग कर दिया, परचेज का अलग कर दिया, मार्केटिंग का अलग कर दिया, अकाउंट्स का अलग कर दिया. अब ये डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर सेक्शंस भी होंगे, बट ये सारे के सारे किसको रिपोर्ट करेंगे, इस कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे. अब जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हो, वो आपका बेसिकली क्या होता है, आप जब रिलेटेड जॉब्स को, रिलेटेड जॉब्स कैसे, जितना जितना भी मार्केटिंग है, चाहे वो शूज की मार्केटिंग है, चाहे वो क्लोथ की मार्केटिंग है, बट अगर आपने मार्केटिंग के बेसिस पे अगर फंक्शंस क्रिएट कर दिए, फंक्शन मतलब कि डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, तो उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर. मींस जब आपने डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर नेचर जॉब, कि ये चीज मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड है, तो दैट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर. इसीलिए हम ये भी कहते हैं ना कि हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है. तो ये थोड़ी सी लाइंस है कंफ्यूजिंग, क्योंकि फंक्शनल अकेला भी है और डिविजनल के अंदर भी फंक्शनल है. तो हमने एक तो केस किया था कि अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की जगह डिविजनल स्ट्रक्चर में आते हो. और अगर उनमें सिमिलैरिटी है, जैसे लेदर शूज, लेदर बैग, लेदर जैकेट, सब में कॉमन लेदर यूज हो रही थी, तो इसलिए आपने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की बात की थी, फंक्शनल स्ट्रक्चर. बट आपको और क्लैरिटी, मतलब अकेले सिर्फ इस बेस पे नहीं, और भी बहुत पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे आपने क्या करना है, इसको मतलब कि रिकॉग्नाइज करना है कि ये फंक्शनल है या डिविजनल है. एंड ज्यादातर जब केस स्टडीज आती है बोर्ड में, ट्रस्ट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अंदर से लाइंस होती है, जो आजकल केस स्टडीज आ रही है, अगर आप पढ़ोगे, आपको एनसीईआरटी की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखी हुई है, वही लाइन आपको केस स्टडीज में मिलेगी, एंड देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, अच्छा ये लाइन यहाँ थी तभी आंसर ये बना. वट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर?
फंक्शनल स्ट्रक्चर में बिकॉज आपका बेसिक फोकस किसके ऊपर होता है, उसी स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर. अब जैसे ये ह्यूमन रिसोर्स है, इसका फोकस टोटली किसके ऊपर होगा? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर. इसका फोकस सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फोकस सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर. मतलब आपको किसी और एक्टिविटी पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है. बिकॉज योर एम्फेसिस इज ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि आपको सब कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लिमिटेड सा काम करना है, आपका फोकस सिर्फ उसी के ऊपर होगा. तो ट्रस्ट में आपकी स्पेशलाइज ज्यादा होगी, क्योंकि आपने एक ही तरह का काम बार बार किए, यू विल गेट स्पेशलाइज इन दैट टास्क. तो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर से हमेशा क्या आती है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. आपको पता है बोर्ड में एक बार केस स्टडी के अंदर वर्ड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन लिखा गया था, जो मैं अभी शो भी करूंगी तुम्हें. तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन वर्ड जहां लिखा आता है, दिस इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. ये हमेशा फंक्शनल स्ट्रक्चर में आते हैं, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको उस स्पेसिफिक फंक्शन पे फोकस कराते हैं. परचेज डिपार्टमेंट परचेज के ऊपर, सेल्स डिपार्टमेंट सेल के ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस के ऊपर फोकस कराते हैं. तो उस तरीके से आपके अंदर ऑक्यूपेशनल या अगर हम कहें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ जाती है, आप उस फंक्शन में क्या हो जाते हो? स्पेशलाइज हो जाते हो, बिकॉज योर फोकस इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फंक्शन. और आप क्या करते हो? बिकॉज आपके डिपार्टमेंट में, जैसे अगर हम बात करें, आपके डिपार्टमेंट में आपका फोकस टोटली किसके ऊपर होता है? आपके अपने खुद के फंक्शन के ऊपर होता है. तो उस सिचुएशन में बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस करे, इसमें कोई मार्केटिंग के रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो रही. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, उसका परचेज से कुछ लेना देना नहीं है. बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टास्क विद इन द डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के अंदर बिकॉज टास्क में सिमिलैरिटी है, तो आप अपनी मैन पावर को क्या करते हो? सही ढंग से यूटिलाइज करते हो. सो दिस प्रमोट द एफिशिएंसी. ये क्या करते हैं? एफिशिएंसी प्रमोट करता है इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर. एंड उससे, क्योंकि इम्प्लॉयज एक ही तरह की परफॉर्मेंस बार बार करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर लेते हैं? इम्प्रूव कर देते हैं. दे गेट स्पेशलाइज इन टू दैट बिकॉज आपका फोकस एक स्पेसिफिक फंक्शन पे है, फोकस ऑन योर स्पेसिफिक फंक्शन. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप उस फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाते हो एंड आपका परफॉर्मेंस क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आप एक ही तरह का काम कर रहे हो. और उसके अलावा बिकॉज आपकी डिपार्टमेंट के अंदर सेम काम चल रहा है, बिकॉज सिमिलैरिटी ऑफ टास्क विद इन द डिपार्टमेंट, तो कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना क्या होता है? ईजी होता है. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए, नेम द स्ट्रक्चर विच प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेम द स्ट्रक्चर विच प्रमोट्स अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, तो वो आंसर क्या बन गया? दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हाउ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट? बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन टास्क, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर सेम चीज चल रही है, दैट इज अ रीजन इनमें कंट्रोल लाना क्या होता है? ईजी होते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये मैनेजीरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये भी 1 मार्क में आया हुआ है. नेम द स्ट्रक्चर विच, नेम द स्ट्रक्चर जो बेसिकली क्या करता है? इंक्रीज करता है मैनेजीरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो वो कौन सा है स्ट्रक्चर? दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. रीजन, आपका फोकस एक ही के ऊपर है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का फोकस सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन जो मैनेजर है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है. बिकॉज आपका फोकस सिर्फ अपने फंक्शन पे है, तो आप उसे सही ढंग से करोगे एंड वेस्टेज नहीं करोगे, बिकॉज यू गेट स्पेशलाइज इन दैट. आप एक ही काम को बार बार करते जाओ, आप एक क्वेश्चन को 10 बार लर्न करो, तो उसमें आप क्या हो जाते हो? एफिशियंट हो जाते हो, स्पेशलाइज हो जाते हो. आपका टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रिडक्शन आ जाती है टाइम में. तो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज आप सिमिलैरिटी ही हो रही है हर जगह पे,
हर टास्क में आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ परचेज के ऊपर है, तो उस सिचुएशन में मैनेजीरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक मैनेजर्स भी एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करते हैं एंड ऑपरेशनल मतलब आप काम भी सही ढंग से करते हो, उसमें वेस्टेज नहीं करते हो, ऑपरेशनल एंड मैनेजीरियल एफिशिएंसी दोनों आती है। फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इट लीड टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट इन टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज आपको जितनी भी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी आपने एक ही डिपार्टमेंट में रखी। कैसे? लेदर बैग्स है, शूज है, और उसके अलावा आपके पास है बेल्ट। आपने क्या किया? लेदर बैग, शूज और बेल्ट का आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक जगह बना दिया। अब आपको एक ही मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, उसका परचेज का काम भी एक ही बंदे को दे दिया। इस तरीके से आपने क्या किया? इट लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मतलब आपका एक काम एक ही बंदा करे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है, विच रिजल्ट इन टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड विच लोअर द कॉस्ट, और उससे कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड बिकॉज आपके एम्प्लॉयज का जो फोकस होता है वो सिर्फ लिमिटेड स्किल्स पे होते हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर होते हैं, दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या आता है आंसर, कि आपके लिए ट्रेनिंग देनी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, एक ही फंक्शन के ऊपर है। अब मार्केटिंग, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जैसे ये वर्कर्स है, ये मैनेजर क्या करेगा, अपने छोटे छोटे वर्कर्स को सिर्फ मार्केटिंग सिखाएगा, इसे कुछ परचेज सिखाने की जरूरत नहीं, इसे कुछ सेल सिखाने की जरूरत नहीं है, इसे सॉरी सेल तो सिखानी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, परचेज नहीं सिखानी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं सिखानी, कुछ नहीं सिखाना, इसने अपनी इम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ सेल में ट्रेन करना है। तो बिकॉज फोकस सिर्फ एक लिमिटेड फंक्शन पे है, लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल के ऊपर है, दैट इज अ रीजन ट्रेनिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। एंड ये एक चीज ये भी अश्योर करता है आपका फोकस किसके ऊपर है, सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर, आपका फोकस किसके ऊपर है, परचेज के ऊपर, आपका फोकस किसके ऊपर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, तो ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर अटेंशन मिले, एक ड्यू अटेंशन। तो उस अटेंशन से क्या होता है, जब आप एक फंक्शन के ऊपर ही पूरा ध्यान दे रहे हो तो आप उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हो। स्ट्रक्चर, एज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो अगर आपने एक ही जगह पे एक तरह का फंक्शन रखा, फायदे हैं क्योंकि आपका फोकस एक प्रॉपर फंक्शन के ऊपर आ गया, आप ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होगी, कोऑर्डिनेशन करना आपको ईजी है, एफिशिएंसी आनी शुरू हो गई, बट कहीं ना कहीं नुकसान भी तो होगा, एज कॉइन हैज टू साइड, सेम हर एस्पेक्ट के टू मतलब की होते हैं, साइड्स होती है, कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज आपका फोकस सिर्फ सिर्फ अपने फंक्शन के ऊपर था, तो आपने तो लेस फोकस पे किया, इधर लेस वर्ड है, लेस इम्फेसिस इज ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, मुझे मेरे फंक्शन से लेना देना है, जो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या परचेज मैनेजर है इसका फोकस सिर्फ परचेज के ऊपर है, ही हैज नो कंसर्न विद द मार्केटिंग, ही हैज नो कंसर्न विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ही हैज नो कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स, इसने अपना काम करना है बिकॉज इसने तो अपने काम में स्पेशलाइज होना है, तो योर फोकस विल बी लेस ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइज, ये नुकसान है इसका। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सच प्रैक्टिसेस मे लीड टू फंक्शनल एम्पायर वेयर एज द इम्पोर्टेंट इट वेयर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन मे बी ओवर एम्फेसाइज्ड परस्यूइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे तो मेरा काम देखना है, नो मैटर ये भाड़ में जा रहा है, ये भाड़ में जा रहा है, ये भाड़ में जा रहा है, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो अपना फायदा देखना है। तो इससे क्या होता है, कई बार कंपनी को नुकसान हो जाता है जब सिर्फ आप अपने आप को देख रहे होते हो, तो आपका फोकस तो पूरी कंपनी के ऊपर होना चाहिए, तो ये गलत सिस्टम है इसका। एंड दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये पर्सन जो होते हैं ना मार्केट परचेज का, इसको ना ये है कि अगर मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेल्प कर दी तो मैनेजिंग डायरेक्टर तो इसे अच्छा समझेगा, तो इस तरह से जो इनकी इंटरेक्शन होते हैं ये कई बार ना खराब हो जाती है, ये बात करना पसंद नहीं करते सही ढंग से, बिकॉज दे न्यू दैट कि अगर इसका फायदा हुआ मार्केटिंग मैनेजर तो उसको प्रमोशन देगा,
एंड दैट इज अ रीजन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब हम इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है, बिकॉज कई बार क्या होता है एक दूसरे के साथ आपका इंटरेस्ट मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सेल डिपार्टमेंट ना अपने कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो चीज समझ नहीं रहा है, तो इट मे कॉज इन द डिफिकल्टीज इन द प्रोडक्शन। और इस तरीके से क्या होता है कि हम अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे इस वर्ड को अंडरलाइन और प्लीज कहीं पे अच्छे से नोट कर लो, इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट्स। इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट ज्यादातर अराइज होते हैं इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर, और डिविजनल स्ट्रक्चर में इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट नहीं, इंटर डिविजनल कंफ्लिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं अगर क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ। मीन्स यहाँ पे अगर आपने क्लियरली सब कुछ नहीं बताया कि ये पर्सन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई, सेल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई, तो उस सिचुएशन में समटाइम्स यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लड़ना शुरू कर दे, इन दैट सिचुएशन दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, दैट इज हार्मफुल इन केस ऑफ द कंपनी। कंपनी डूबनी शुरू हो जाएगी बेटा अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिसएडवांटेज, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज आपने क्या किया, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क हुआ, आपने सिर्फ उसे क्या किया, उसके प्रॉपर उसी फंक्शन में ट्रेन किया, इस पर्सन को सिर्फ किस में फोकस दिया, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ परचेज के ऊपर, तो इस तरीके से क्या किया, आपने इसका नैरो प्रस्पेक्टिव क्रिएट कर दिया कि भैया तुझे तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है, तेरा काम मार्केटिंग का है, तेरा कोई काम सेल परचेज का नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफिकल्टी आ जाती है किसी और के पॉइंट को अप्रिशिएट करने की, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे के पॉइंट्स को नहीं अप्रिशिएट करता, नहीं सुनता, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड फंक्शनल हेड दे डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, मतलब इसका फोकस तो सिर्फ इसे किसमें सिखाया, मार्केटिंग में, काश ये परचेज भी सीखा होता। अब ये बंदा सिर्फ परचेज सीखा है, ये पर्सन सिर्फ मार्केटिंग सीखा है, इसको ऊपर टॉप पे प्रमोट किया तो ये प्रॉब्लम है, इसे मार्केटिंग नहीं आती, इसे फोकस किया, इसे प्रमोट किया, इसे परचेज नहीं आती। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इस पर्सन को सारे एस्पेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं, परचेज की ट्रेनिंग देते हैं, सेल की ट्रेनिंग देते हैं, उसके अलावा रिसर्च की प्रमोट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है कि आप कैसे प्रमोट करोगे अगर वो पर्सन फंक्शनल स्ट्रक्चर का था। एंड इसकी सुटेबिलिटी, ये ज्यादातर वहां सुटेबल है, ये जो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, जहाँ पे बिजनेस का साइज बड़ा है, वो बहुत तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं और हर टास्क को क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए। ये सुटेबिलिटी भी 3 मार्क्स में आई हुई है। इट इज मोर सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, व्हेन कंपनी हैज टू कैरी आउट द डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज, व्हेन द ऑपरेशन रिक्वायर द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो दिस इज अ केस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर जहाँ पे वो सुटेबल होते हैं। ध्यान से पढ़ना, पहले सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने का रूल क्या है कि आपने कभी भी ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, ऑलवेज रीड फ्रॉम द बिलो, आपने नीचे से यहाँ से रीड करना है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यूमको लिमिटेड एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस। पहले तो चीज, आप एडवांटेजेस तो तब लिख पाओगे ना अगर आइडेंटिफाई सही करोगे। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी अब रीड करनी शुरू करनी है। आराधना एंड गंधर्व आर द हेड्स ऑफ द टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। पहले तो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट के वो दोनों हेड्स है। दे आर एफिशिएंट मैनेजर एंड आर एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो वो अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करें। हाउ एवर देयर ड्राइव टू एक्सेल इन देयर ओन स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, वो अपनी ही फंक्शन एक्टिविटी में एक्सेल करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, जबकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। इट हैज हिंडर्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट, और इन्होंने क्या कर दिया, उन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो इंटरेक्शन है उसे हिंडर्ड, मतलब रुकावट यहाँ पे क्रिएट की।
इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट एंड हैव बिकम इनकम्पेटिबल. दिस हैज प्रूव टू बी हार्मफुल इन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड दिस सिचुएशन द सिचुएशन हैज डिटोरिएटेड टू सच एन एक्सटेंट. सीईओ ने क्या किया, एक कंसल्टेंट को हायर किया. उनका नैरो प्रस्पेक्टिव, देखो वर्ड मिला नैरो प्रस्पेक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ बोथ आराधना एंड गंधर्व. She is of a view that the situation is a result of type of organization structure adopted by Yumko. Now see the word from NCERT. Emphasis is on the overall objective of the enterprise. Emphasis is on the overall enterprise objective than the objective pursued by the functional head. इससे क्या हो जाता है? It will hinder. देखो NCERT में भी word है. It will hinder the interaction between the department. इससे डिपार्टमेंट में जो इंटरेक्शन होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. एंड द सेम वर्ड्स वर रिटन इन द केस स्टडी. लेट मी इंस्टेड ऑफ गिविंग एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज इट हैज हिंडर्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट. एंड मोर ओवर अगर आप एनसीईआरटी का सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे ना डिसएडवांटेज का, तो उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट्स भी लिखे हुए थे. तो ये दोनों वर्ड से और ये नैरो प्रस्पेक्टिव, ये वर्ड भी तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर है कि नैरो प्रस्पेक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ द मतलब डिपार्टमेंट. इससे क्या हुआ, दे आर नॉट एबल टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. ये जो नैरो प्रस्पेक्टिव है इसने गोल्स को अचीव नहीं करने दिया. एंड दैट इज द रीजन योर आंसर वॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर. आपका आंसर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर. सेम दूसरी केस स्टडी पहले देखो उसके बाद में डिस्कस करती हूँ. हिमालय लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वॉशिंग मशीन. पहले तो एक तरह का प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन. अगर एक तरह का प्रोडक्ट होता है तब भी फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है. बट स्टिल हमने एक और चीज भी कंफर्म करनी है अभी. द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैन्युफैक्चर 500 वॉशिंग मशीन इन अ डे. हमें टारगेट से कुछ लेना देना नहीं है. एंड देयर इज अ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. सी मैंने तुम्हें पहले ही एनसीईआरटी रीड करवाते हुए बोला था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन वर्ड से भी आपका आंसर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर. देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. अगर आप इसके मेरिट्स को अच्छे से पढ़ते हो, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट या नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रिड्यूसेस द कॉस्ट. तो यहाँ से कौन सा 2016 दिल्ली बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया हुआ है बोर्ड में, नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which promotes efficiency in the utilization of the manpower. आपने उस organization structure का बताना है name जो efficiency in the utilization of manpower. NCERT की advantages functional structure में हमने पढ़ा है अभी कि functional structure क्या करते हैं, efficiency promote करते हैं in the utilization of the manpower क्योंकि similarity of task होते हैं. दूसरा, name the organizational structure which help in increasing the managerial and operational efficiency. आपने उस organizational structure का नाम बताना है जो managerial and operational efficiency को बढ़ाते हैं क्योंकि similarity of task है. Again the answer is functional organizational structure. अभी हमने NCERT read की थी और NCERT के जो points है वही same name पॉइंट्स एडवांटेजेस के यही थे. नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैनपावर को प्रमोट करते हैं, द आंसर इज फंक्शनल. जो बेसिकली मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं, द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर.